नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। 2019 में वैशाली से कौन बनेगा सांसद। विश्व में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना और संसद के गठन का गौरव वैशाली को ही प्राप्त है। यही नहीं, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और वर्धमान महावीर की जन्मभूमि भी वैशाली है। लगभग 600 ईसा पूर्व यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने लगे और यहाँ गणतंत्र की नींव पड़ी। वैशाली गणतंत्र में 7777 निर्वाचित गण शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। वर्तमान वैशाली संसदीय क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया। अभी तक वैशाली लोकसभा सीट पर हुए 12 चुनावों में से 10 बार राजपूत प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि 2 बार भूमिहार प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वैशाली राजद का मजबूत गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से रिकॉर्ड लगातार 5 बार सांसद बने। रघुवंश बाबू 1996 में जनता दल तथा 1998, 1999, 2004 एवं 2009 में राजद के टिकट पर चुनाव जीते, परंतु 2014 में एनडीए के लोजपा प्रत्याशी रामा किशोर सिंह से मात खा गए। वैशाली महिला प्रत्याशियों के लिए पसंदीदा चुनाव क्षेत्र रहा है। अब तक हुए यहां 12 लोकसभा चुनावों में से 4 बार महिला सांसद निर्वाचित हुई है। इनमें से 3 बार तो महिला उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ। जनता पार्टी ने 1980 में किशोर सिन्हा को वैशाली में प्रत्याशी बनाया। किशोर सिन्हा ने कांग्रेस के एलपी शाही को शिकस्त दी। किशोर सिन्हा ने कांग्रेस के टिकट पर 1984 में लोक दल की तारकेश्वरी सिन्हा को हराया, परंतु 1989 में वे स्वयं जनता दल की उषा सिन्हा से हार गए। 1994 में लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को शिकस्त दी। वैशाली संसदीय क्षेत्र चुनाव हारने वाले सांसद के सियासी करियर का लिटमस टेस्ट साबित हुआ है। वैशाली में चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा एवं उषा सिन्हा, पूर्व सांसद नवल किशोर सिंह, किशोरी सिन्हा, लवली आनंद एवं ब्रिसिल पटेल का सियासी करियर में वापसी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह ने 1977 में पूर्व कांग्रेसी सांसद नवल किशोर सिंह को शिकस्त दी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1996 एवं 1998 में ब्रिसिल पटेल को तथा 1999 में लवली आनंद को शिकस्त दी। इस बार वैशाली की लड़ाई रोमांचक है। यहाँ से राजद ने एक बार फिर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को खड़ा किया है। लोजपा ने वर्तमान सांसद रामा किशोर सिंह की जगह पूर्व भाजपा विधायक वीना देवी को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात तो यह है कि वीना देवी के पति जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह ही पहले रघुवंश प्रसाद सिंह के चुनाव की व्यवस्था संभालते थे। वे रघुवंश प्रसाद सिंह के आधार वोट में सिंधमारी करने के साथ साथ उनके चुनावी बिहू की रचना को भेदना चाहेंगे। 2014 में लोजपा के टिकट पर रमा सिंह ने वैशाली संसदीय सीट पर राजद के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को 1,00,000 से अधिक मतों से हराया था। अब 2019 की बात करें तो बिल्कुल सारा समीकरण बदले हुए हैं। अब इस बार यहाँ की जनता किसे फिर से अपना सांसद चुनकर दिल्ली भेजती है, ये देखने वाली बात है और ये आपके मत निर्णय करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।